Good morning, everybody. How are you all? I think you are fine. Friends, lockdown is going on at present time. Please live at your home and live safe. And साथ ही साथ following the social distancing. क्योंकि अगर आप social distancing का follow करेंगे तो काफी हद तक कोरोना के कहर से हम सब लोग बच सकते हैं. ये बहुत भयंकर डिजीज पूरे विश्व में बन चुकी है. सो प्लीज सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें. आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक स्पेशल टॉपिक के बारे में. लास्ट टाइम आपने डिस्कस किया था, एक बहुत अच्छा अपने पास में टॉपिक था, वो था आपका डेली रूटीन. डेली रूटीन माने जो हम सब लोग अपना काम करते हैं, उठने से लेके जो काम हम सब लोग सोने तक करते हैं, उसका आपने जिक्र किया था. तो चलिए आज बात करते हैं, इसी कॉन्वर्सेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं तीसरे बंदे के बारे में. अगर मान लो आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, किसी तीसरे बंदे के बारे में आपको जानकारी चाहिए या फिर आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो बात कर सकते हैं एक तीसरे बंदे के बारे में. तो अपने सामने एक छोटा सा वर्ड आता है, डज. देखिएगा, अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं हूं पहला पर्सन, आई मीन फर्स्ट पर्सन. अगर मेरे सामने एक बंदा बेटा है, मैं उससे बात करता हूं डायरेक्ट, यू कहते हो, मैं आपसे बात करता हूं या उस बंदे से बात करता हूं, तो वो मेरे लिए हो गया यू, मतलब सेकंड पर्सन. अगर मैं उससे किसी तीसरे बंदे के बारे में बात करता हूं या उसके बारे में पूछता हूं, तो वो तीसरा बंदा मेरे लिए हो गया थर्ड पर्सन. इज इट क्लियर? तो मैं फर्स्ट पर्सन, ये भाई साहब मेरे लिए सेकंड पर्सन और ये मेरे लिए थर्ड पर्सन. तो देखिएगा, तीसरे बंदे के बारे में अपन कैसे डिस्कस करते हैं और एक अपने सामने बहुत अच्छा वर्ड आता है, डच. तो डच को कैसे यूज करते हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले यहां पर बात करते हैं इंग्लिश की. अब तो इंग्लिश लैंग्वेज एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, एक मैनर्स की लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, क्योंकि इंग्लिश में हर 15-20 सेंटेंसेस के बाद में अपन थैंक्स बोलते हैं, प्लीज बोल देते हैं, ऐसे काफी सारे वर्ड्स होते हैं जो हम सब लोग यूज करते हैं इंग्लिश में. तो देखिएगा, इंग्लिश एक माइनर्स की लैंग्वेज है. अगर अब हम सबको अंग्रेजी आ रही है तो अपना एक कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, दैट इज राइट, अपना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है अगर अपने को अंग्रेजी आ रही होती है. तो आप लोग अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं अपनी वर्कैप्स के माध्यम से, आप अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं. तो देखिएगा, बात करते हैं एक स्पेशल टॉपिक जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. अपने डेली लाइफ के अंदर हम सब लोग उस वर्ड का यूज करते हैं कहीं ना कहीं पे, चाहे अपनी मदर टंग हिंदी हो, उसके बावजूद भी अब हम सब लोग काफी बार डच का यूज करते हैं, मतलब तीसरे बंदे के बारे में काफी बातें होती है. अब देखिएगा, लगभग अपने कॉन्वर्सेशन में जब आप हम सब लोग हिंदी बोल रहे होते हैं या फिर अपनी क्षेत्रीय भाषा बोल रहे होते हैं, फिर भी तीसरे बंदे के बारे में काफी सारी अपने को चिंताएं होती है, काफी सारी टेंशन होती है. अगर दो लोग मिल गए तो तीसरे के बारे में पक्का ही बातें करेंगे, क्या वो कैसा है, क्या कर रहा है, आजकल पता ही नहीं, मिलता ही नहीं है, कहाँ रहता है, ये बातें लगभग होती रहती है. मतलब दो जने मिले आपस में और तीसरे बंदे के बारे में बातें कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन.
तो देखिएगा अगर दो बंदों के बारे में बात करते हैं, आई के साथ में एक वर्ड आता है डू, अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं, जैसा अगर आप आंसर देते हैं या फिर किसी से क्वेश्चन पूछते हैं क्या ये काम आप करते हैं, तो अपने पास में एक कॉन्सेप्ट था, अपने पास में एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला है अपने पास में TDA, टाइम वर्ड डूअर एक्शन। तो अपने पास में टाइम वर्ड आ जाता है डू, डूअर आ जाता है यू, और एक्शन आप यूज कर सकते हैं कोई से भी। जैसे मैं आपसे बात करता हूं, मेरे सामने एक गुप्ता जी नाम से एक सर बैठे हैं, मैंने इनसे पूछा क्या सर आप मॉर्निंग वॉक जाते हैं, तो ये मेरे लिए सेकंड पर्सन हुए, यू हुए मेरे लिए। तो मैंने इनसे पूछा क्या आप मॉर्निंग वॉक जाते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं जाता हूं। तो मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा, डू यू गो टू मॉर्निंग वॉक, तो इन्होंने कहा हाँ सर ऑब्वियसली आई गो टू मॉर्निंग वॉक। अगर ये नहीं जाते हैं तो इन्होंने कहा सर मैं नहीं जाता, आई डोंट गो टू मॉर्निंग वॉक। अरे बंदर में अब मेरे को बात करनी है एक तीसरे बंदे के बारे में कि चलो गुप्ता जी आप तो जाते हैं लेकिन आपके पास वाले घर में वर्मा जी रहते हैं साहब, क्या वर्मा जी मॉर्निंग वॉक जाते हैं। तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, गुप्ता जी हो गए मेरे लिए सेकंड पर्सन, और वर्मा जी मेरे लिए हो गए थर्ड पर्सन। यहां तक की बात हम सब लोग क्लियर करते हैं। तो चलिएगा, कई बार ऐसा होता है कि हम सब लोग किसी से बातचीत करते हैं, किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि अपनी लाइफ में या फिर अपन किसी से बात कर रहे होते हैं तो अपने को कुछ बातचीत करने के तरीके जरूर आने चाहिए। अब बातचीत करने के तरीके कैसे आने चाहिए, सपोज यू आर सिटिंग इन द ऑफिस, अदरवाइज आप किसी स्कूल के स्टूडेंट हैं, आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप किसी कोचिंग सेंटर्स के किसी कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट हैं, आपको डायरेक्टर रूम में जाना है, आपको ऑफिस में जाना है, वहाँ पे आपके प्रिंसिपल सर बैठे हैं, वहाँ सर वहाँ पर आपको बातचीत करनी है, उनसे बात करनी है सर से आपको, तो यहाँ पर बात करता है। एक तो आप सीधा ही अंदर घुसते हैं क्योंकि मान लो ऑफिस का गेट खुला है, आप अंदर एंटर हो गए और जाते ही आप उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर आपको कुछ चाहिए क्या, सर मैं घर जाऊँ, आपको छुट्टी चाहिए, मान लो घर में कोई अर्जेंट काम है और आपको वहाँ से निकलना है, अपने कोचिंग से, अपने स्कूल से, कॉलेज से, वहाँ से आपको घर पे जाना है, तो वहाँ आप प्रिंसिपल सर से परमिशन मांग रहे हैं क्या सर मैं घर जाऊँ। तो देखिएगा प्रिंसिपल सर अपने रूम में, अपने ऑफिस में अपना काम कर रहे हैं, तो बात यहाँ पर आती है कि जब तक वो आपकी ओर देखेंगे ना तब तक आपका सेंटेंस कंप्लीट हो चुका होगा, आई मीन जो आपने सर से क्वेश्चन किया वो कंप्लीट हो चुका होगा, तो सर आपको वापस पूछेंगे हाँ बोलिए क्या बात है। ऐसा नॉर्मल सी अपनी बात होती है, अपने घर में पापा कुछ कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, आप जाके कुछ काम बताते हो पापा को, कुछ पूछते हो पापा से, तो पापा वापस पूछते ना आपसे हाँ बोल क्या काम है, क्योंकि वो अपने काम में लीन है, अपने काम में पापा लीन हैं और आप उनको बीच में डिस्टर्ब करते हैं, तो उनका ध्यान आपकी ओर जाता है तब तक आप अपना सेंटेंस कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो आइए इसी कॉन्वर्सेशन को हम सब लोग आगे कैसे बढ़ाएं और इसके माध्यम से हम सब लोग अंग्रेजी कैसे सीख सकते हैं, तो इसी कॉन्वर्सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, कैसे बात कर सकते हैं। तो अगर मान लो मेरे को केवल दो जनों के बीच में कॉन्वर्सेशन करना है, मैं हूं फर्स्ट पर्सन, मेरे सामने गुप्ता जी बैठे हैं, वो है मेरे लिए सेकंड पर्सन, मेरे को गुप्ता जी के बारे में जानकारी लेनी है क्या गुप्ता जी आप मॉर्निंग वॉक जाते हैं, लेकिन गुप्ता जी कोई अपना काम कर रहे हैं, कोई पेपर वर्क कर रहे हैं, उनके हाथ में पेन और एक डायरी है, उसमें कुछ नोट्स बना रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूं लेकिन मेरे को अचानक दिमाग में आई क्या गुप्ता जी से मैं पूछूं, कोई बात पूछनी है गुप्ता जी से कि गुप्ता जी मॉर्निंग वॉक जाते कि नहीं जाते, क्योंकि मैंने तो आजकल स्टार्ट कर दिया अपना मॉर्निंग वॉक लेकिन गुप्ता जी जाते कि नहीं जाते, तो मेरे को इनसे पूछना है। तो यहां पर बात आती है, मैं सबसे पहले किसी को डिस्टर्ब करना है अपने को, तो ध्यान दीजिएगा कोई आपके सामने बैठा है, काम कर रहा है, आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आई मीन आपको कुछ पूछना है लेकिन अपने काम से तो वो डिस्टर्ब होंगे ना, उनका ध्यान आपकी ओर आकर्षित करना है, तो उस समय
अपने को कैसे कैसे सेंटेंसेस यूज में लेने चाहिए। तो फ्रेंड्स बात करते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी सर आप उनसे बात कर सकते हैं उनको डिस्टर्ब करने के लिए। आप बोल एक्सक्यूज मी सर, तो बोलेंगे यस सर बताइए क्या काम है, तो वो बोल सकता है आपके लिए यस सर। अब आप उनसे बात करो, बात क्या करनी है, क्या सर आप मॉर्निंग वॉक जाते हैं, डू यू गो टू मॉर्निंग वॉक। तो अगर गुप्ता जी जाते हैं तो बोलेंगे यस आई गो टू मॉर्निंग वॉक। अगर गुप्ता जी नहीं जाते हैं तो बोल सकते हैं आई डोंट गो टू मॉर्निंग वॉक। यहां पर बात आती है ऐसी, आपके पास में सूचना आ गई, आपके पास में आपका आंसर आपको मिल गया, आपने जो भी क्वेश्चन किया था उसका आंसर आपको मिल गया। नाउ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट यू शुड गिव हिम थैंक्स। तो आपने गुप्ता जी को बोल दिया थैंक यू सर, गुप्ता जी ने कहा योर मोस्ट वेलकम। चलिए ये दो जनों का बीच का कॉन्वर्सेशन है, आपने एक नॉर्मल सा क्वेश्चन किया गुप्ता जी से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी बंदे से कोई ऐसा क्वेश्चन करना है कि वो बंदा कंफर्टेबल फील नहीं करे उस वो आंसर देने के लिए, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर देने के लिए वो बंदा कंफर्टेबल फील नहीं करता है, लेकिन आपको पूछना जरूर है, उस केस में क्या करें जी आप। तो वहीं से वापस शुरू करते हैं, आप उनको डिस्टर्ब करेंगे तो डिस्टर्ब करने के लिए क्या बोल देंगे, एक्सक्यूज मी सर। अगले ने कहा हाँ यस सर, फिर आप पूछते हैं या फिर आप उनसे परमिशन मांग सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, किसी से परमिशन मांगते हैं, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, सपोज आपको क्लास में एंटर होना है तो कैसे बोलते हैं जी आप, मैं कम इन सर, मैं कम इन मैम, ऐसा ही बोलते हैं। तो आप मैं कम इन सर बोल दिया, मैं गो आउटसाइड, क्या सर मैं आप बाहर जाऊं, तो मैं गो आउटसाइड, तो ऐसा आपने बोला। अगर आपको बैठना है मैं सिट, अगर आपको खड़ा होना है मैं स्टैंड अप, ऐसा आपको बोलना है। अगर आपको क्वेश्चन करना है मैं आई आस्क, तो मेरे को उनसे पूछना है सर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, क्या बोलेंगे, मैं आई आस्क यू वन क्वेश्चन प्लीज। गुप्ता जी से मेरे को पूछ रहे हैं, क्या गुप्ता जी मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं आई आस्क यू वन क्वेश्चन प्लीज। तो गुप्ता जी ने कहा या पूछो, और श्योर, या व्हाई नॉट, या पूछते ऑफ कोर्स, सवाल क्या है जी मेरा, मेरा क्वेश्चन क्या है। अब मेरा क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, क्या है, मैंने इनसे पूछा क्या गुप्ता जी आप अपने पड़ोसी से लड़ाई करते हैं, डू यू फाइट योर नेबर। तो कई बार ऐसा होता है कि इनके सामने काफी सारे लोग बैठे होते हैं तो ये आंसर देने में कंफर्टेबल नहीं है मान लो, तो इसीलिए मैंने इनसे पूछा क्या गुप्ता जी आपसे एक सवाल पूछ लो। तो गुप्ता जी ने मेरे को यस बोला ही था वैसे, तो मैंने पूछा डू यू फाइट योर नेबर। अगर गुप्ता जी लड़ाई करते हैं तो बोल सकते यस आई फाइट, अगर नहीं करते तो मना कर सकते हैं आई डोंट फाइट। बात ध्यान में आ रही है, यहां पर बात आती है, अगर मैं गुप्ता जी से और बात करूं, गुप्ता जी जब मेरे को पहली बार मिले थे तो गुप्ता जी ने मेरे को कहा था, देखिएगा सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है, मैं आपके सामने एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहा हूं, यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इजिली कि हाउ टू यूज डच, ऐसे आप समझ सकते हैं। गुप्ता जी जब पहली बार मिले थे मेरे से तो इन्होंने मेरे साथ में कमिटमेंट किया कि सर आपके साथ में मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। गुप्ता जी कुछ ज्यादा बड़े व्यक्ति नहीं है, लाइक ही इज जस्ट सेम एज लाइक मी, ही इज सेम एज मेरे जितने एज के हैं। तो गुप्ता जी ने मेरे से कहा कि सर आपके साथ में मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा इट्स ओके, इट्स वेरी गुड, अच्छी बात है। और इनके साथ में एक शर्मा जी बैठे हैं, एक वर्मा जी बैठे हैं और दो चार लोग और बैठे हैं, सब इनके फ्रेंड्स हैं, हमारी भी फ्रेंड्स हैं वैसे, मेरे भी फ्रेंड्स हैं वैसे। और गुप्ता जी ने उनको कहा कि मैं कभी स्मोक नहीं करता, आई नेवर स्मोक, ऐसा गुप्ता जी ने सबको बोल रखा है कि मैं आई नेवर स्मोक। और मेरे को इन्होंने कहा सर आपके साथ में मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा इट्स ओके, उन्होंने कहा यार इट्स ओके, अच्छी बात है, इट्स गुड हैबिट, बहुत अच्छी आदत है कि स्मोक नहीं करनी चाहिए व्यक्ति को। लेकिन कल मेरे को थोड़ी सी जानकारी मिली कि गुप्ता जी वास्तव में छुपके छुपके स्मोक जरूर करते हैं। अब मेरे को गुप्ता जी से पूछना है, ये काफी सारे लोग इनके साथ में बैठे हैं, एक सिचुएशन देखिएगा, मेरे सामने गुप्ता जी बैठा है, शर्मा जी बैठा है, वर्मा जी बैठा है और चार लोग और बैठे, और मेरे को सबके सामने पूछना है गुप्ता जी से क्या गुप्ता जी
आप सिगरेट पीते हैं क्या, स्मोक करते हैं? तो गुप्ता जी आपस में बात कर रहे हैं, सब लोग एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है इनका, एक ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, मेरे को अचानक सूझी दिमाग में कि मैं पूछ लूं, अब अच्छा मौका है मैं गुप्ता जी से पूछ लूं, क्या पूछूं, क्या आप स्मोक करते हैं? अब तो मैंने गुप्ता जी को बोला एक्सक्यूज मी गुप्ता जी, तो गुप्ता जी ने मेरे को कहा हाँ यस सर। मैंने कहा सर अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इफ यू डोंट माइंड। देखिएगा किसी से बात करते ना तो आप बोल सकते हैं यू डोंट माइंड, मैं आस्क यू वन क्वेश्चन प्लीज, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? तो गुप्ता जी ने मेरे को कहा यस पूछिएगा सर, यस प्लीज, या ऑफ कोर्स, या व्हाई नॉट। मैंने गुप्ता जी से कहा गुप्ता जी डू यू स्मोक? अब क्या करें साहब, अगर गुप्ता जी यहां पर बोले यस आई स्मोक, अगर ऐसा बोले तो सब लोगों को क्या बता रखा था उन्होंने अपने फ्रेंड्स को कि आई नेवर स्मोक, फंस गए। और अगर ये मेरे को बोले सर आई डोंट स्मोक तो मेरे साथ में झूठ बोल नहीं सकता क्योंकि पहले कमिटमेंट किया इन्होंने मेरे साथ में। तो कहने का मतलब यहां पर है ऐसी सिचुएशन आ गई, गुप्ता जी फंस गए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर देने में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं साहब, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था पहले अगले से परमिशन मांग लीजिए, इफ यू डोंट माइंड मैं आस्क वन क्वेश्चन प्लीज। एक तो मैं डायरेक्ट पूछूं क्या आप गुप्ता जी स्मोक करते हैं, और एक मैं इनसे कहूं एक्सक्यूज मी गुप्ता जी इफ यू डोंट माइंड मैं आई आस्क वन क्वेश्चन प्लीज। अगर गुप्ता जी आंसर देने में कंफर्टेबल है मान लो, पूछो कोई बात नहीं, क्या बोलोगे जी? तो इन्होंने कहा हाँ सर पूछिए, और श्योर वाई नॉट। तो मैंने इनसे पूछा डू स्मोक? अगर ये पीते हैं सबके सामने बोलने की हिम्मत रखते हैं तो बोल सकते हैं यस आई स्मोक, अगर नहीं पीते तो आई डोंट स्मोक। बात यहां पर भी दो जनों के बीच की हो रही है, मेरी और गुप्ता जी की। तो मैंने गुप्ता जी को बोल दिया थैंक यू वेरी मच, तो गुप्ता जी ने कहा यू आर मोस्ट वेलकम सर, या इट्स माय प्लेजर, या इट्स ओके, या नेवर माइंड, या एनी टाइम, देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ड्स, ऐसा बोल सकते हैं। अब बात यहां पर मैं आपसे शुरू में कर रहा था तीसरे बंदे के बारे में जानकारी आपको लेनी है, मैंने तो गुप्ता जी से ली है, लेकिन मेरे को अब जो गुप्ता जी के साथ में वर्मा जी रहते हैं उनके बारे में जानकारी करनी है सर। लेकिन वर्मा जी की और मेरी कोई जानकारी नहीं है, आई डोंट नो अबाउट हिम, आई नो ओनली बाय फेस, मैंने केवल इनको देखा है, मैं बाय फेस इनको जानता हूं, कभी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ हमारा, लेकिन मेरे को वर्मा जी के बारे में जानकारी लेनी है। अच्छा कई बार ऐसा भी होता है ना, आप किसी तीसरे बंदे के बारे में पूछ ही लेता हूं क्या ये बंदा कौन है क्या करता है, ऐसा पूछ लेता है ना। तो यहां पर बात आती है कि अगर आपको वर्मा जी के बारे में पूछना है, मतलब मेरे को पूछना है, तो मैं गुप्ता जी का सहारा लूंगा, मतलब मीडिएटर मैं गुप्ता जी को बनाऊंगा। तो वही मेरे पास में फॉर्मूला है, गुप्ता जी बैठे हैं, मैंने इनको डिस्टर्ब किया एक्सक्यूज मी गुप्ता जी, तो गुप्ता जी ने मेरे को यस प्लीज, गुप्ता जी आपसे एक सवाल पूछ लूं मैं, तो क्या बोलूंगा? इफ यू डोंट माइंड मैं आई आस्क यू वन क्वेश्चन प्लीज, तो गुप्ता जी ने कहा पूछो व्हाई नॉट। अब मैं हूं फर्स्ट पर्सन, गुप्ता जी मेरे लिए हो गए सेकंड पर्सन, और वर्मा जी मेरे लिए हो गए थर्ड पर्सन। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सेकंड पर्सन के लिए आप अगर आप किसी क्वेश्चन कर रहे हैं सेकंड पर्सन से तो एक टाइम वर्ड आता है वो डू लगता है, लेकिन यहां पर थर्ड पर्सन की बात हो रही है और थर्ड पर्सन के साथ में लगता है डज। किसी से क्वेश्चन करना है तीसरे बंदे के बारे में तो वहां पर क्वेश्चन वर्ड क्या लगा दोगे? डज। और अपने पास में फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? टी डी ए, टाइम वर्ड डूअर एक्शन, टाइम वर्ड डूअर एक्शन, आपके पास में फॉर्मूला है। तो टाइम वर्ड क्या हो गया यहां पे? डज। डूअर क्या हो गया? काम करने वाला। मैं वर्मा जी के बारे में बात कर रहा हूं तो डज वर्मा जी, वही स्मोक के बारे में मेरे को पूछना है तो डज वर्मा जी स्मोक। अब गुप्ता जी को खुद को ही नहीं पता साहब वर्मा जी स्मोक करते कि नहीं करते, तो सीधा मना कर दिया इन्होंने, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता भाई। तो फिर अब गुप्ता जी ने मेरे को कहा सर आई डोंट नो, आप थोड़ी देर के लिए वेट करो, वेट फॉर सम टाइम,
या वेट अ मोमेंट, या एक मिनट के लिए इंतजार करो, वेट फॉर वन मिनट, पांच मिनट के लिए इंतजार कीजिएगा, वेट फॉर फाइव मिनट्स, लेट मी कंफर्म, यानी आप थोड़ी देर के लिए वेट करो, मैं पूछ के बताता हूं। तो क्या बोला, वेट फॉर सम टाइम, लेट मी कंफर्म। अब यहां पर एक वर्ड आता है लेट, देखिएगा इस वर्ड के मायने क्या होता है। कोई भी काम करने दो, जैसे सपोज यू आर जस्ट गेटिंग ऑन द बस, आप बस में चढ़ रहे हैं, आपकी सीट आपके छोटे भाई ने रिजर्व कर रखी है, मतलब रोक रखी है बस में पीछे की सीट, और गिलेरी में चार पांच लोग ऊपर जो पाइप होता है उसको पकड़ के खड़े हैं, आपको जाना है, बीच में आ रहा है आपके वो, तो कैसे बोलेंगे उनको, बोलेंगे एक्सक्यूज मी भैया, लेट मी गो, मुझे जाने दो, होता ना। कई बार आप टीवी देख रहे होता है, आपका फेवरेट सीरियल चल रहा है, लेकिन आपके भाई को न्यूज सुननी है, या उसको क्रिकेट मैच देखना है, लेकिन आपका फेवरेट सीरियल आपका चल रहा है, तो आपको बोलता है भैया या सिस्टर, दीदी मेरे को मैच देखने दे, तो आप क्या बोलते हैं, चल थोड़ी देर बाद मेरे आना, आफ्टर सम टाइम यू शुड कम, तो आप क्या बोलते हो, मुझे मेरा फेवरेट सीरियल देखने दे भाई, लेट मी वॉच माई फेवरेट सीरियल, तो लेट मी वॉच माई फेवरेट सीरियल, मुझे सीरियल देखने दो, लेट मी एक्शन। तो यहां पर आप लेट मी एक्शन कुछ भी लगा सकते हैं। तो गुप्ता जी ने मेरे को कहा कि सर मुझे पूछने दो, लेट मी आस्क या लेट मी कंफर्म, तो मेरे को वेट करने के लिए छोड़ दिया गुप्ता जी ने। अब वर्मा जी से पूछ रहे हैं सब, तो सेम उन्होंने कहा, वर्मा जी एक्सक्यूज मी प्लीज, तो वर्मा जी ने कहा हाँ पूछिए सर, यस प्लीज, ऐसा बोला वर्मा जी ने कहा, यस प्लीज, तो गुप्ता जी ने वही सेम एज इट इज, गुप्ता जी ने वही फॉर्मूला अपनाया, बोले यस सर, तो गुप्ता जी ने सेम फॉर्मूला अपनाया वर्मा जी के साथ में, उनको डिस्टर्ब किया पहले, एक्सक्यूज में वर्मा जी, तो वर्मा जी बोले यस प्लीज, गुप्ता जी ने कहा इफ यू डोंट माइंड मै आई आस्क यू वन क्वेश्चन प्लीज, तो वर्मा जी ने कहा हाँ यस प्लीज। अब वर्मा जी गुप्ता जी के लिए क्या हो गए जी, सेकंड पर्सन हो गए उनके लिए, यू बन गए ना, सीधा उनसे पूछ रहे हैं गुप्ता जी, तो बोले क्या आप स्मोक करते हैं, डू यू स्मोक, अगर वर्मा जी करते हैं तो बोलेंगे यस आई स्मोक, अगर नहीं करते तो बोलेंगे आई डोंट स्मोक। जो भी आंसर मिला गुप्ता जी को, उन्होंने बोल दिया थैंक यू वेरी मच, जो भी आंसर मिला गुप्ता जी को, उन्होंने वर्मा जी को बोला थैंक यू वेरी मच, तो वर्मा जी ने रिप्लाई किया इट्स माय प्लेजर, उनका काम खत्म हो गया, मैं गुप्ता जी का वेट कर रहा हूं, मेरे आंसर का वेट कर रहा हूं, गुप्ता जी से लेना है मेरे को, तो गुप्ता जी मेरे को डायरेक्ट आके बोलता है सर ही स्मोक्स, अगर मना किया होता वर्मा जी ने तो गुप्ता जी मेरे को बोलता है सर ही डजंट स्मोक, यानी डज और नॉट को क्या बोला आपने डजंट, तो बोला सर ही डजंट स्मोक, मेरे पास में सूचना आ गई, तो मैंने को बोला थैंक यू वेरी मच, गुप्ता बोला इट्स माय प्लेजर, तो देखिएगा मैं फर्स्ट पर्सन, गुप्ता जी मेरे लिए सेकंड पर्सन, और वर्मा जी मेरे लिए थर्ड पर्सन। तो इस प्रकार से आप किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे करेंगे आप, फॉर प्रैक्टिस आप अपनी प्रैक्टिस भी जारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, सपोज आपको किसी के बारे में पूछना है, आपके घर पे आपके पापा आज अपने काम से जल्दी आ गए, घर में आप अकेले हैं, और आपका छोटा भाई कहीं खेलने के लिए कॉलोनी में गया हुआ है, आपसे पापा पूछते हैं आते ही, बोले बेटा क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, तो आपने कहा पापा आई एम कंप्लीटिंग माय होमवर्क। अब आपके छोटे भाई के बारे में जानकारी लेनी कि छोटू आपका छोटा भाई छोटू
वो पापा को दिखा भी, तो बोला वेरी छोटू। तो आपने कहा पापा आई डोंट नो अबाउट हिम। फिर पापा पूछता है क्या वह डेली इस समय होमवर्क कंप्लीट करता है क्या, डज ही कंप्लीट होमवर्क। आपने कहा छोटू को यार फंसाना तो नहीं है पापा के सामने, तो आपने बोल दिया पापा हाँ वो कंप्लीट करता है, ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क डेली दिस टाइम, यानी इस समय छोटू काम करता है अपना होमवर्क कंप्लीट करता है। तो बोला ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क दिस टाइम, ऐसा आपने बोल दिया। लेकिन दीदी छोटू को फंसाना चाहती है, वाई ये बात सुन ली आपसे और पापा को बोल रही है पापा ही इज टेलिंग लाई, झूठ बोल रहा है ये, छोटू तो करता ही नहीं काम, छोटू डजंट कंप्लीट हिज होमवर्क दिस टाइम, ऐसा आप बोल सकते हो। तो पापा ने दीदी से भी पूछ लिया डू यू कंप्लीट, क्या तू तो करती है, तो दीदी ने बोला पापा यस आई कंप्लीट माय होमवर्क। उतने में ये बात आपकी मम्मा ने सुन ली, मम्मा आई बीच में और पापा ने मम्मा से भी पूछ लिया क्या ये लड़की करती है, डज सी कंप्लीट हर होमवर्क डेली। अब दीदी ने थोड़ी देर पहले मम्मा का कोई काम मम्मी ने जो बताया वो किया नहीं दीदी ने, अब दीदी ने मम्मा का कोई काम जो पहले बताया था थोड़ी देर पहले वो किया नहीं दीदी ने, तो आपके मम्मा ने बोल दिया सी डजंट कंप्लीट हर होमवर्क, नहीं करती है। तो ऐसा हो गया ना, क्वेश्चन करने के लिए तीसरे बंदे के बारे में डच को शुरू में लगा दिया आपने, आंसर देना है एक पॉजिटिव आपको आंसर देना है तो ही या सी, एक्शन में ऐसे ईएस लगाएंगे आप, ऐसे ईएस लगाना आपको एक्शन में, सिंगुलर अगर कोई भी डूअर है तो उसका एक्शन आप प्लूरल बना दीजिएगा, अगर आपको मना करना है तो ही या सी डज नॉट, या यहां पर किसी का आप नाम भी बोल सकते हैं, ही या सी या किसी का नाम डज नॉट एक्शन की पसंद आपको लगानी होती है, ऐसा आप यूज कर सकते हैं। तो एक पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको स्क्रीन पर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।